शाहरुख खान को यश चोपड़ा बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा। बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित प्रोडक्शन हाउस में से एक यशराज फिल्म्स ने इस साल 2020 में अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यशराज फिल्म्स के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आदित्य चोपड़ा बड़े स्टार्स से लेकर न्यूकमर स्टार्स के साथ आगामी बड़े बजट की फिल्मों का अनाउंसमेंट तो करने वाले हैं ही, साथ ही अपने पिता यश चोपड़ा जो यशराज फिल्म्स के संस्थापक थे की बायोपिक को लाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा के फेवरेट हैं शाहरुख खान। हालांकि यश चोपड़ा की बायोपिक को लेकर कुछ ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर सुनने में आया है कि आदित्य चोपड़ा इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। आदित्य और यश के सभी फैंस का मानना है कि उनकी प्रेरणा से भरी सफल जीवन गाथा को पर्दे पर उतारना चाहिए। पर्दे पर यश चोपड़ा का किरदार निभाने के लिए शाहरुख खान से बेहतर और कौन हो सकता है। हालांकि यश चोपड़ा बायोपिक के लिए अभी तक स्टार कास्ट फाइनल नहीं की गई है, लेकिन शाहरुख खान इसके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस रहेंगे। इसके अलावा शाहरुख फिल्म मेकर यश चोपड़ा और अब उनके बेटे आदित्य चोपड़ा के भी फेवरेट हैं। यश राज फिल्म्स के 50 सालों के जश्न के अंतर्गत कई बड़ी फिल्मों के अनाउंसमेंट के अलावा कुछ न्यूकमर्स भी लॉन्च होंगे। आदित्य चोपड़ा हमेशा से नई प्रतिभाओं को निखारने के लिए जाने जाते हैं। रणवीर सिंह, परिणीति चोपड़ा इत्यादि इसके उदाहरण हैं। यशराज फिल्म्स के करीबी सूत्र ने हमें बताया कि यशराज फिल्म्स की आगामी फिल्मों में हम बहुत से नए कलाकारों को देखेंगे।